नमस्कार, मैं हूं डीपी दास, केंद्रीय विद्यालय संगठन से। हमारे यूट्यूब चैनल एलरीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रामर की एक टॉपिक लेके प्रस्तुत हूं, विसर्ग संधि का। विसर्गस्य रेफः, विसर्गस्य स्थाने रेफः यानी र हलंत का आदेश कैसे करते हैं, ये इस टॉपिक में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अंत तक वीडियो को देखते रहिए। किम नाम विसर्ग संधि? विसर्ग संधि किसको कहते हैं ये आप लोग पहले से जानते हैं, बाकी वीडियोस में भी देखे होंगे। विसर्गस्य स्वरवर्णेन सह व्यंजनवर्णेन सह वा मेलनेन उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तनम विसर्ग संधि इति कथ्यते। विसर्ग का स्वर वर्ण के साथ अथवा व्यंजन वर्ण के साथ मेलन होने से जो परिवर्तन होता है, जो मॉडिफिकेशन या जो चेंजेस होता है, उसको विसर्ग संधि कहते हैं, ये आप लोग जानते हो। अभी विसर्ग संधि का एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, विसर्गस्य रेफः यानी विसर्ग का स्थान में र हलंत का कैसे आदेश करेंगे। नियम वन, पहला नियम, पूर्व पदस्य अन्ते अ आभिन्न स्वरः प्लस विसर्ग। पूर्व पद का अंत में अ आभिन्न स्वर के साथ विसर्ग लगा हो, यानी विसर्ग अंत में हो, सबसे अंत में पूर्व पद का अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले अ या आ ना हो। उत्तर पदस्य प्रथमे स्वरवर्णः वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण अगर होता है तो स्वर वर्ण एंड मृदु व्यंजन वर्ण, ये याद रखिए। वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण य र ल व ह को मृदु व्यंजन कहते हैं, तो स्वर वर्ण अथवा मृदु व्यंजन बाद में होने से और पूर्व पद का अंत में अ आ भिन्न स्वर प्लस विसर्ग होने से हम लोग क्या करेंगे ना, विसर्ग के स्थान में रेफ आदेश करेंगे, र हलंत का आदेश कर देंगे। पूर्ववर्ती जो विसर्ग है, पूर्व पद का अंत में जो विसर्ग है, ये पूर्व पद का अंत में जो विसर्ग है उसके जगह में र हलंत का आदेश करेंगे। रूल वन क्लियर हो गया, अ आभिन्न स्वर प्लस विसर्ग होना चाहिए और उत्तर पद का प्रथम में स्वर वर्ण एंड मृदु व्यंजन वर्ण होना चाहिए, तब क्या करेंगे पूर्व पद का अंत में जो विसर्ग है उसके जगह में र हलंत आदेश करेंगे। र हलंत को रेफः कहते हैं। उदाहरण से आप लोग और क्लियर हो जाएंगे। हरि ही प्लस अयम, हरि ही पूर्व पद का अंत में देखिए, हरि ही जो है उसमें विसर्ग के पहले ई है, अ अथवा आ नहीं है, अ आ नहीं होना चाहिए, याद रखिए। अ आ होने से फिर दूसरा नियम आएगा, यहाँ विसर्ग से पहले अ आ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं है, ई है, उसके बाद में स्वर वर्ण अ है, तो क्या करेंगे विसर्ग के जगह में र हलंत रेफः का आदेश करेंगे, तो विसर्ग के जगह में र हलंत कर दिए, तो हरिर प्लस अयम हरिर अयम। गुरु हो प्लस वचनम, पूर्व पद का अंत में विसर्ग है, विसर्ग से पहले ओ है, अ आ नहीं है, ओ है, उसके बाद में व है, मृदु व्यंजन है, तो विसर्ग के जगह में र हलंत करेंगे गुरुर वचनम। विसर्ग के जगह में र हलंत हो गया तो गुरुर वचनम, रेफ की मात्रा परवर्ती वर्ण में ऐड हो जाएगा। मुनि ही प्लस गच्छति, विसर्ग से पहले ई है, बाद में मृदु व्यंजन ग है, इसलिए क्या करेंगे मुनि ही का जो विसर्ग है उसके जगह में रेफ आदेश करेंगे, र हलंत आदेश करेंगे, तो मुनिर गच्छति, ये रेफ परवर्ती वर्ण में लग जाएगा मुनिर गच्छति। उसी प्रकार ते ही प्लस गम्यते, विसर्ग के जगह में र हलंत तेर गम्यते। रवि ही प्लस उदेति, विसर्ग के जगह में र हलन रविर उदेति।
विधातु प्लस मंदिरम, विसर्ग के जगह में रह हलंत करने से विधातुर मंदिरम, ये प्रतीक उदाहरण में विसर्गस्य रेफह यानी रह हलंत आदेश हुआ है। नियम टू सेकेंड रूल देखिए, पूर्व पदस्य अंते अव्यय संबंधी विसर्ग, कोई भी अव्यय संबंधी विसर्ग रहे, अव्यय के साथ विसर्ग लगा हो, उत्तर पदस्य प्रथमे स्वरवर्ण अथवा मृदु व्यंजनानी, स्वरवर्ण अथवा वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण य र ल व ह में से कोई भी वर्ण हो, तो ऐसे स्थल में क्या करेंगे ना, अव्यय संबंधी जो विसर्ग है वो विसर्ग के जगह में रेफ यानी र हलन आदेश करेंगे। यहाँ पर अ आ भिन्न स्वर का कोई रूल नहीं है, ये अ आ के बाद भी विसर्ग होने से, लेकिन वो शब्द अव्यय होना चाहिए, अव्यय के साथ अगर विसर्ग लगा हो उसके बाद में कोई भी स्वर वर्ण हो अथवा वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई भी वर्ण हो, ऐसे क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, पूर्ववर्ती जो अव्यय का विसर्ग है विसर्ग के स्थान में र हलन का आदेश करेंगे। उदाहरण से आप लोग और स्पष्ट हो जाएंगे। पुनः प्लस अभ्यास, यहाँ देखिए विसर्ग के बाद अ है, लेकिन ये द्वितीय नियम है, लेकिन द्वितीय नियम होने से हम लोग ये अ आकर रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, वो रूल वन में था, यहाँ अव्यय है, पुनः अव्यय है, अव्यय पद के साथ विसर्ग लगा है और बाद में स्वर वर्ण अ है, ऐसे क्षेत्र में विसर्ग का र आदेश हो गया, तो पुनर् प्लस अभ्यास मिला देंगे तो पुनराभ्यास, र हलन प्लस अ मिल गया तो र हो गया, इसलिए पुनराभ्यास। द्वितीय उदाहरण प्रातः प्लस भ्रमणम, प्रातर भ्रमणम, प्रातर भ्रमणम, विसर्ग के जगह में प्रातः अव्यय पद है, विसर्ग के जगह में र हलन हुआ तो प्रातर भ्रमणम। दुह प्लस गमः, दुह अव्यय पद है, उपसर्ग है तो अव्यय पद है और विसर्ग के जगह में र हलन आदेश हुआ तो दूर हो गया, गमः दुर्गमः। इस प्रकार प्रत्येक उदाहरण में विसर्ग के साथ जो अव्यय पद के साथ जो विसर्ग लगा हो उसके बाद में स्वरवर्ण अथवा मृदु व्यंजन हो तब क्या होगा ना, विसर्ग के जगह में र हलन आदेश कर देंगे। नियम थ्री, पूर्व पद से अंते रुकारांत शब्द से संबोधन संबंधी विसर्ग, यानी कोई भी रुकारांत शब्द का संबोधन का कोई रूप हो और उसमें विसर्ग लगा हो, जैसे रुकारांत शब्द जैसे पितृ, पितृ शब्द का संबोधन में क्या होता है पितः, पितः होता है, उसमें विसर्ग है, तो इस प्रकार का कोई विसर्ग हो, रिकारांत शब्द का संबोधन में जो कोई पद अगर बनता हो और उसी में अगर विसर्ग लगा हो, मातृ शब्द का संबोधन में मातः, तो मातः में विसर्ग लगा है, तो इस प्रकार का कोई भी विसर्ग हो, और उत्तर पद से प्रथम है, उत्तर पद का प्रथम में वही सेम कंडीशन है तीनों जगह में, तीनों रूल में स्वरवर्ण हो अथवा मृदु व्यंजन हो, कोई भी मृदु व्यंजन हो तब क्या होगा ना, पूर्ववर्ती जो विसर्ग है विसर्ग के जगह में र हलंत रेफ का आदेश करेंगे। रिकरांत संबंधी कोई भी रिकरांत शब्द का संबोधन संबंधी कोई भी विसर्ग हो उसके बाद में स्वरवर्ण अथवा मृदु व्यंजन हो तो अब क्या करेंगे, विसर्ग के जगह में र हलंत आदेश करेंगे, ये है रूल थ्री। उदाहरण से और क्लियर हो जाएंगे। पितः प्लस वंदे, पितृ शब्द का संबोधन में पितः एंड वंदे व मृदु व्यंजन है, ऐसे क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, विसर्ग के जगह में र हलन करेंगे एंड वंदे है तो पितर वंदे। यहाँ आप लोग पूछ सकते हो ये तीसरा नियम का क्या जरूरत है,
देखिए पीता में विसर्ग से पहले अ है तो प्रथम नियम में ये नहीं हो पाएगा। द्वितीय नियम में अव्ययपद होना चाहिए तो पीता तो अव्ययपद नहीं है, पितृ शब्द का संबोधन एक वचन में पीता है तो अव्ययपद नहीं है, तो सेकंड नियम भी लागू नहीं हो पाएगा, इसीलिए थर्ड नियम की जरूरत है। ऐसे क्षेत्र में र हलन करना है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रूल भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, सेकंड रूल भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, इसलिए पितृ शब्द का संबोधन संबंधी कोई भी विसर्ग हो उसके बाद में स्वरवर्ण हो या मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग के जगह में र हलन यानी रेफ आदेश करेंगे, तो यहाँ आदेश कर दिए तो पितर वंदे। उसी प्रकार मातः प्लस नमामि, मातृ शब्द का संबोधन में मातः तो रिकरांत शब्द का संबोधन संबंधी विसर्ग है यहाँ, उसके जगह में र हलन करेंगे मातर नमामि। भ्रातः प्लस गच्छ, भ्रातृ शब्द का संबोधन में भ्रातः और इसमें विसर्ग लगा है, बाद में मृदु व्यंजन है तो विसर्ग के जगह में र हलन कर देंगे भ्रातर गच्छ। तीनों में देखिए रिकरांत शब्द का संबोधन संबंधी विसर्ग है और बाद में हमारे जो कंडीशन के वर्ण है तो विसर्ग के जगह में रेफ यानी र हलन्त का आदेश किया हुआ है। तो तीन रूल हो गए इस संधि में, तीनों को आपको ध्यान से याद रखना है। पहला नियम का पुनराभ्यास कर देते हैं, इसमें अ अभिन्न स्वर प्लस विसर्ग हो और उत्तर पद का प्रथम है स्वरवर्ण अथवा मृदु व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग के जगह में र हलन करते थे। यहाँ पे कंडीशन था कि विसर्ग से पहले अ आ नहीं होना चाहिए, तब विसर्ग के जगह में र आदेश करेंगे। सेकंड नियम में अव्यय संबंधी विसर्ग हो और उसके बाद में स्वरवर्ण अथवा मृदु व्यंजन वर्ण हो तब विसर्ग के जगह में र हलन का आदेश करेंगे। अव्यय में विसर्ग लगा होना चाहिए सेकंड रूल में। थर्ड रूल में रिकारांत शब्द से संबोधन संबंधी विसर्ग प्लस स्वरवर्ण अथवा मृदु व्यंजन वर्ण होने से विसर्ग के जगह में रेफ विसर्ग के जगह में र हलन्त आदेश करेंगे। तो संबोधन संबंधी विसर्ग होना चाहिए रिकारांत शब्द का, वो भी याद रखिए रिकारांत शब्द का संबोधन संबंधी विसर्ग होना चाहिए, बाकी शब्द का नहीं। रिकारांत शब्द का संबोधन संबंधी विसर्ग होने से बाद में स्वरवर्ण अथवा मृदु व्यंजन होने से विसर्ग के जगह में र हलन का आदेश करेंगे। ये तीनों रूल आप थोड़ा शांत दिमाग से इसको याद कर लीजिए, तब आपका विसर्गस्य रेफ संधि कभी और गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ लाभ मिला हो, जरूर मिला होगा। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए और बाकी स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए, लाइक कीजिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।